you are Anshuman sir, and today we are going to start our new chapter, and the chapter name is chapter number 11. That is the dual nature of light, dual nature of light. तो हम लोग इस चैप्टर में लाइट के ड्यूअल नेचर को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. जैसा कि आपने पिछले दो चैप्टर में चैप्टर नंबर नाइन और चैप्टर नंबर टेन, ठीक है, चैप्टर नंबर नाइन में आपने रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा, रे ऑप्टिक्स. चैप्टर नंबर टेन में आपने वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है. रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, इन दोनों चैप्टर्स को आपने डिटेल में स्टडी किया. रे ऑप्टिक्स में आप न्यूटन्स के कॉर्पस्कुलर थ्योरी पे बात करते थे और कहते थे कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और इसके बेसिस पे हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग, इस तरह के फिनोमेनास को कह दिया था, हमने एक्सप्लेन किया था. लाइकवाइज हमारे पास वेव ऑप्टिक्स था. वेव ऑप्टिक्स में हमने ये कहा कि रे ऑप्टिक्स इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हाइजेंस की थ्योरी का यूज़ करते हैं. और हाइजेंस की थ्योरी के अकॉर्डिंग वेव जो है वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे की तरफ चलता है, और अगर वेव फ्रंट की तरह आगे की तरफ चलेगा तो वो एक वेव के नेचर को शो करेगा और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को शो करेगा, राइट. तो ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया. प्रॉब्लम तब आ जाती है जब 1905 में एक थ्योरी आती है जिसे हम लोग कहते हैं, इफेक्ट आता है, जिसे हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है. बेसिकली इस इफेक्ट को हर्ट्ज ने दिया था. हर्ट्ज जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो है इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है या जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है कुछ अलग तरीके से हो रहा है, ठीक है. तो वहाँ से उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया. तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हर्ट्ज ने बताया था, ठीक है. हर्ट्ज ने सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था. तो सबसे पहले समझ लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है. फोटो का मतलब होता है लाइट, राइट. तो लाइट जब किसी भी मेटल सरफेस पे गिरती है तो वो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देती है, राइट. इलेक्ट्रॉन उसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट हो जाता है, इमिशन स्टार्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर हम लोग देखें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यह कह सकते हैं कि ये पार्टिकल नेचर के बेसिस पे ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, वेव नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. अभी इस बात को आप डिटेल में समझेंगे कि ऐसा क्यों, ठीक है. तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं. एक जो वेव होती है, वेव की जो एनर्जी होती है वो उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है ना. मतलब इसकी जो एनर्जी होगी, इसकी जो इंटेंसिटी होगी, इट इज डिपेंडेंट ओवर द एम्पलीट्यूड, राइट. मतलब किसी भी वेव की जो एनर्जी होती है वो उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है. जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी. दैट्स मीन और इंटेंसिटी आप जानते हैं एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है. एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा किसी भी वेव की, इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है. ये बात आप लोग जानते हैं. लेकिन जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा कि लाइट जो है वो इंटेंसिटी पे ना डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वेव की जो एनर्जी होती है अगर लाइट एक तरह की वेव है तो लाइट की एनर्जी जो है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, राइट. लेकिन हमने देखा कि लाइट बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉन को जब इमिट करती है तो वो उसकी इंटेंसिटी पे ना डिपेंड करके उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है. अगर वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी तो ऐसे केसेस में ये जो आपकी वेव थ्योरी होती है वो फेल हो जाती है. दैट्स मीन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि रे जो है एक पार्टिकल है, जो लाइट है वो एक तरह का पार्टिकल है, और उसको हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था. बाद में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का पैटर्न एक्सप्लेन न कर पाने की वजह से वेव थ्योरी आती है, और वेव थ्योरी ने बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया. लेकिन जब ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमारी वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है. इसी के साथ दो और इफेक्ट हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा. उसमें आपका एक है जीमेन इफेक्ट, दूसरा है स्टार्क इफेक्ट. इसको आप सर्च करिएगा, देखिएगा कि जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या है. इसको हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं. तो जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी वेव थ्योरी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, इसलिए फिर से हमें पार्टिकल थ्योरी पर आना पड़ा, ठीक है.
मतलब एक बार हमने इसको पार्टिकल माना, फिर हमने वेव माना, फिर से हम इसमें आगे लाइट एक तरह का क्या है, पार्टिकल है, और पार्टिकल के बेसिस पे ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको बाद में जा करके आइंस्टाइन ने प्रूव किया था। और आइंस्टाइन ने ये बताया था कि लाइट जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, वो जब किसी भी एटम से जाकर के टकराती है तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देती है और इलेक्ट्रॉन का मोशन बढ़ जाता है कि अपने ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर की तरफ निकल जाए। तो ये बेसिक चीजें जो है मैंने आपको बताई कि हमें वेव थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी। एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था डिबोंगली। डिबोंगली ने कहा कि जितने भी मैटर होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, वो अपने साथ एक वेव एसोसिएट करते हैं। मतलब पार्टिकल भी एक तरह का वेव एसोसिएट करता है अपने साथ। इसका मतलब लाइट जो है, लाइट को एज अ पार्टिकल और एज अ वेव हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। मतलब लाइट एक तरह का पार्टिकल भी है और लाइट एक तरह की वेव भी है, दोनों, राइट? लाइट इज अ पार्टिकल एज वेल एज लाइट एज अ वेव, ठीक है? तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो है एक थ्योरी आती है, हम लोग कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो ये थ्योरी आ जाती है लगभग 1905 में, आइंस्टाइन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था उसी के साथ ये थ्योरी आती है, जिसे हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है? अभी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या थी? अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट हमें कह सकते हैं कि लाइट जो है, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट क्या है, इसके बारे में लोग थोड़ा देखते हैं। तो हम लोग बात करेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, अभी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जो लाइट है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है, राइट? एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है। कैसे? राइट, मान लेते हैं कि छोटा सा पैकेट है कुछ इस तरह से, राइट? इस तरह से छोटे छोटे पैकेट्स हैं और ये एनर्जी के पैकेट्स हैं और इन एनर्जी के पैकेट्स के अंदर वेव्स भरी हुई होती है, इस तरह से देखिए, लाइट एनर्जी, राइट? अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी लाइट इज अ मेड ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, राइट? लाइट जो है वो पैकेट ऑफ एनर्जी है, एक पार्टिकल है, या आप देख रहे हैं जो ये पैकेट है ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है और इसके अंदर देखो वेव भरी हुई है। इसका मतलब जो ये पैकेट है, ये पैकेट के पास ड्यूअल नेचर, ये पार्टिकल भी है और इसके अंदर वेव भरी हुई है। पार्टिकल किसका? एनर्जी का पार्टिकल है ना, एक पैकेट है एनर्जी का और उसके अंदर ढेर सारी वेव भरी हुई है, ठीक है? तो इसका मतलब लाइट के पास कैसी नेचर, वो कैसा नेचर होता है? ड्यूअल नेचर होता है उसके पास, वो वेव नेचर का भी होता है और पार्टिकल नेचर का भी होता है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जो ये इंडिविजुअल जो ये पैकेट है, इसे हम कहेंगे क्वांटा। क्या कहेंगे बेटा? क्वांटा, क्वांटा कहेंगे, या इसको सिंपली हम लोग कह सकते हैं फोटो। क्या कहेंगे बेटा? फोटो, ओके? सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी लाइट इज अ मेड ऑफ फोटॉन्स, राइट? लाइट जो है वो फोटोन से मिलकर बना होता है और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, एक पैकेट की जो एनर्जी होती है, दिस इज द एच इंटू न्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक। ये क्वांटम थ्योरी जो है, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था मैक्स प्लैंक ने इसको क्या किया था, दिया था, राइट? अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, लाइट इज कंसिस्टिंग द पैकेट ऑफ एनर्जी एंड ईच पैकेट इज कॉल्ड द क्वांटा और फोटोन एंड हैविंग एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। अब देखिए न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये जो पैकेट है इसमें देखो एनर्जी भी भरी हुई है फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, राइट? सो ई इज इक्वल टू एच न्यू एंड हियर यू कैन से दैट लाइट इज हैज अ ड्यूअल नेचर। लाइट के पास कैसा नेचर होता है? ड्यूअल नेचर। आ रही बात समझ में? लाइट के पास कैसा नेचर होता है? ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है? तो ये कंक्लूजन हमें क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट देती है। अब अगर हम लाइट को ड्यूअल मान लें, मतलब उसको पार्टिकल भी मान लें और उसको हम वेव भी मान लें, तो उसके बेसिस में हम बहुत तरह के फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो इंटरफेरेंस हो, चाहे वो डिफ्रैक्शन हो, चाहे वो आपका जो है स्कैटरिंग हो, चाहे आपका रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, TIR हो, कुछ भी हो, उसको आसानी से हम लाइट को फोटोन एज्यूम करके क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है? समझ में आ गई बात? अब अगली बात आती है कि फोटोन होते क्या हैं, व्हाट आर द फोटोन्स, राइट? तो फोटोन की बात थोड़ी सी हम लोग करेंगे, व्हाट इज द फोटोन्स, तो फोटोन की बात हम लोग करेंगे। तो देखना बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, फोटोन क्या होता है बेटा? दिस इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, मतलब एक एनर्जी का पैकेट होता है जिसके अंदर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव भरी हुई होती है। समझ में आ गई बात? फोटोन की जो एनर्जी होगी, सबसे पहले प्रॉपर्टी हो गई ये पैकेट ऑफ एनर्जी है, दूसरी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि फोटोन के पास जो एनर्जी होती है वो एच की होती है। इसकी मतलब, इसका मतलब ये है कि फोटोन की एनर्जी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अगर फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, इसका सीधा सा मतलब है कि लाइट एक तरह की वेव है, भाई फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी डिपेंड कर रही है। और
ये बिल्कुल से डिफरेंट चीज़ थी, इसी ने जो है आगे चल के आगे क्वांटम थ्योरी को जनरेशन दिया, आगे क्वांटम थ्योरी को आगे बढ़ाया। क्यों? क्योंकि इसके पहले ही माना जाता था कि अगर लाइट इतने भी वेव है तो उसकी एनर्जी उसकी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी। लेकिन ऐसा देखा गया कि ऐसा नहीं होता। आगे हम लोग अभी हर्ट्ज और लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, है ना, हर्ट्ज एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से इन लोगों ने ये प्रूव किया कि एनर्जी जो है वो आपके इंटेंसिटी पे डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। आगे बात समझ में, इतनी बात क्लियर होगी बेटा? ओके, सो दिस इज द फोटोन। फोटोन की तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि फोटोन जो होता है वो मास्कलेस पार्टिकल है। कैसा है? पार्टिकल है, लेकिन कैसा है? मासलेस पार्टिकल है, इसका कोई मास नहीं होता है, इसका रेस्ट मास जीरो होता है। समझ में आ रही बात, है ना? जब ये वेलोसिटी पे चलने लगता है तो इसका जो रेस्ट मास होता है वो कैसा होता है? जीरो होता है। तो ये कैसा पार्टिकल है? मासलेस पार्टिकल, मासलेस पार्टिकल। अभी मैंने कहा कि ये एनर्जी का पैकेट है, तो इससे ये प्रूफ होता है, और इसके अंदर एनर्जी जो है इसके न्यू पे डिपेंड करती है, इसका मतलब ये वेव है। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि ये मासलेस पार्टिकल है, मतलब एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास जीरो है, जिसका रेस्ट मास क्या है? जीरो। ये मासलेस पार्टिकल होता है, ठीक है? ओके, फोर्थ पॉइंट, फोटॉन्स होते हैं जब ये किसी सर्फेस पे गिरते हैं, है ना, तो इलास्टिक कोलिजन के बीच में होता है। क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है, वो उतनी ही वेलोसिटी के साथ वापस आता है, ठीक है? जब किसी सरफेस पे लाइट गिरती है, जैसे मान लो कि 100 नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं किसी सरफेस पे गिर रहे हैं, तो होता ये है कि वहाँ पे कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कुछ फोटॉन्स क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे अगर आपके पास जो है 100 जो है, अगर आपके पास मान लीजिए 100 फोटॉन्स हैं, तो फोटोन मैंने कहा कि ये पैकेट ऑफ एनर्जी है ना। तो जब क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी सरफेस पे फोटॉन्स आकर के गिरते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि 100 फोटॉन्स आ रहे हैं, तो ये 100 फोटॉन में से जो है 20 फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और यहाँ से जो है कुछ फोटॉन्स क्या होंगे वापस हो, है ना, बस समझ में आ रही है? तो वो फोटोन क्या करता है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है, दैट्स वाई जो आपका सर्फेस होता है वो गर्म हो जाता है, ठीक है? फोटोन को मैंने बताया, पहली प्रॉपर्टी मैंने बताया कि ये पार्टिकल जो है ये पैकेट ऑफ एनर्जी, फोटोन जो है एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, और इसकी जो एनर्जी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है? तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि फोटोन जो होता है वो मासलेस पार्टिकल है। मासलेस पार्टिकल का मतलब इसका जो रेस्ट मास होता है वो जीरो होता है, ठीक है? और जब किसी सर्फेस पे फोटोन स्ट्राइक करता है तो उसके नंबर ऑफ फोटोन्स, कुछ फोटोन्स तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जैसे हम लोग जब धूप में बैठते हैं तो क्या होता है, धूप में जब हम लोग बैठते हैं तो हमको पूरी गर्मी महसूस होती है। क्यों महसूस होती है? क्योंकि वो फोटोन को हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हमें महसूस नहीं होता इसलिए क्योंकि वो मासलेस है। तो वो हमसे टकराता है, उसकी एनर्जी हम लोग क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है? तो जब भी फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स जाकर के किसी सरफेस से टकराएंगे तो कुछ फोटॉन वहीं एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बाकी फोटॉन क्या होंगे? वापस हो जाएंगे। इलास्टिक कोलिजन आप समझ रहे हैं, जाकर के टकराएगा और सेम फ्रिक्वेंसी के साथ वापस आ जाएगा, मतलब उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो कुछ एब्जॉर्ब हो गए और कुछ क्या होंगे? वापस हो, ठीक है? क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात, ठीक है? तो ये फोटॉन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको जाननी है। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ये कहती है कि जो लाइट है इट इज़ मेड ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स आर द पैकेट ऑफ एनर्जी इन विच इट्स एनर्जी डिपेंडेंट ओवर द फ्रीक्वेंसी, जिसमें उसकी एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात? ओके, ठीक है बेटा, ओके, ये बात आपको भी समझ में आ गई होगी, तो आगे की बात बहुत ही आसान है, आगे की बात बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, ठीक है? अब देखिए फोटोन किस तरह से हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन के इमिशन में। तो हम लोग बात करेंगे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप कह सकते हैं कि किस तरह से किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, आपके पास अगर कोई एटम है तो एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है? अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, और ये जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा बेटा, दिस इज द 1/4 πε0 q1 √r² ये आप जानते हैं, राइट? अभी जो ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दिस प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंटीपेटल फोर्स टू मूव दिस इलेक्ट्रॉन ओवर द सर्कल, राइट?